अयोध्या लोकसभा में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध अपमानजनक शब्द कहे जाने को लेकर कांग्रेसजनों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पुतला छीन लिया। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेसियों ने आक्रोश व्यतीत किया। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की शादी जाति पूछकर अनुराग ठाकुर अपने चरित्र का परिचय दे। अनुराग ठाकुर की भाषा सांसद में आंदोलित और ओछी थी, जिसकी कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा कर। और हमारे नेता राहुल जी के प्रति जिस तरीके से हमारे टिप्पणी अनुराग ठाकुर ने की थी, उसी के को लेकर आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से प्रदर्शन? पुतला फूंकने का ये कार्यक्रम था जिसमें हम लोग यहाँ पे कांग्रेस जन इकट्ठा। किस तरह की घटना? ये निंदनीय है, और जिस तरीके से ये लोग राहुल जी पे पर्सनल हमला कर रहे हैं वो सर्वथा निंदनीय है। देखिए, अब आने दीजिए, चुनाव में इसका परिणाम उनको सामने आएगा, अनुराग ठाकुर जी को उसका जवाब मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने हमारे नेता माननीय राहुल गांधी के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और उनका पुतला जलवाने का प्रयास किया विरोध स्वरूप, लेकिन प्रशासन ने नहीं करने दिया। अनुराग ठाकुर ऐसे नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने उनके करतूतों की वजह से अपनी मंत्री नहीं बनाया। अब वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए हमारे नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप करके पुनः मंत्री बनने का भाव देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस अभद्र भाषा का हमारे नेता के प्रति किया है उसका जवाब देश की जनता उन्हें देगी। ठीक है, माननीय राहुल गांधी जी को संसद में उनका जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसी के विरोध में पूरे देश में, पूरे भारत में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पुतला फूंका जा रहा है और हमारे नेता का अगर कोई भी अपमान करता है तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, हम सभ्यता की दायरा को जानते हैं, सभ्यता में रह करके सभ्यता की बात जानते हैं। हमारी पार्टी का एक नियम है, उसूल है कि कोई भी नेता का अपमानजनक शब्द अगर टिप्पणी किया जाता संसद में तो हम लोग जो है चुप नहीं बैठे। लेकिन संसद में इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष आज सरकार जो है बहुत हताश है। उनको मालूम है कि अधिक समय तक हम केंद्र में नहीं रह पाएंगे और बैसाखी के बल पर हम सरकार कब तक चलाएंगे, तो जानकारी है उनको। और हमारे राहुल गांधी से एक एक भी शब्द जो संसद में पूछते हैं, एक भी शब्द का जवाब अब नहीं है सरकार के पास। हताश हैं, निराश हैं और हताशा साफ दिखाई दे रही है। राम नरेश मौर्य।